उसके लिए परंपरा और वफादारी ही सब कुछ थी। एक बार गैंग में घुस गए तो घुस गए, फिर तुम परिवार का हिस्सा बन जाते थे। फिर एक दिन अचानक अंडरवर्ल्ड में 6.5 फीट के एक रशियन कमीने की एंट्री। सुनने में आया या तो उसे किसी रशियन माफिया ने निकाल दिया था या वो एक एक्स-केजीबी एजेंट था। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर ये सब जानते थे कि रशियन गैंग में वो तेजी से ऊपर उठ रहा था, रुकावटें लांघते हुए, सबको रौंदते हुए। और बस कुछ ही दिनों में वो मिनी किशी का सबसे खास आदमी बन गया था। मिनी किशी के साथियों ने उससे कहा, होश में आओ बॉस, ये रशियन भरोसे के लायक नहीं है, इसे गैंग से निकाल दो। उन्होंने कहा ये खतरनाक है, वो उसे बीमारी मानते थे, अ व्हाइट डेथ। जल्दी उनका डर सच साबित हुआ, उसने नए साथी बनाए, अपनी गैंग बनाई। और फिर उसने क्या किया, उसी के बीच में खंजर खोला, मतलब उसे धोखा दिया। मैंने किसी का उसने भेजा उड़ा दिया। एक ही रात में उसने मिनी किशी गैंग का नामो निशान मिटा दिया और वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। तो मेरी बात कान खोल के सुनो। सुना है वो बेरहम सन की लीडर है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने हमारी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें पैदा करके रखी है। मतलब ये सन की लीडर डीजल जैसा ही है। अगर तुमने एक और बार उस शो का जिक्र भी किया ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो इतना ही खतरनाक है तो उसके लौंडे को बचाने के लिए अपन लोगों को क्यों बुलाया है? गौर से सुनते तो पता चलता ना, उसकी एक बीवी भी थी। ये तूने बोला था? हाँ, वो दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो मर गई। लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब वो अपने अड्डे पर रहता है और वहाँ से वो कभी नहीं निकलता। मतलब अपनी बीवी के गम में अब वो देवदास बन गया है। और हाँ, उसने ये जिम्मेदारी किसी ऐरे घरों को नहीं सौंपी है लेमन, दरअसल उसे बेस्ट आदमी चाहिए थे, उसने उन्हें चुना जिन्होंने बोलिविया में धमाल मचाई थी। बोलिविया। उसे प्रोफेशनल्स चाहिए थे जो कभी नाकाम नहीं होते। इतना समझ लो लेमन कि हम तो गए काम से। तुम मुझसे चाहती क्या हो? लोग मुझे अक्सर एक मासूम लड़की समझते हैं जो आगे चलकर किसी की बीवी या मां बनेगी, लेकिन मैं किसी की कहानी का हिस्सा नहीं हूं। तुम सब मेरी कहानी में हो। लेकिन इस सब का मुझसे क्या लेना देना है? तुम इस शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन के लिए काम करते हो, व्हाइट डेथ। ओ प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम किसी और के लिए काम करते हो जो किसी और के लिए काम करता है, वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ सबका बाप एक ही है। 2 दिन पहले तुमने व्हाइट डेथ के एक आदमी को ब्रीफ केस डिलीवर किया था, तभी मुझे एक मौका दिखाई दिया ब्रीफ केस का पीछा करते हुए व्हाइट डेथ तक पहुँचने का। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यही तो मेरा फेवरेट पार्ट है स्टोरी का, तुम मेरे लिए उसकी जान लोगे। लेकिन मैं व्हाइट डेथ की जान लूंगा कैसे? बस देखते जाओ। ओ क्या बात है, हम बिल्कुल टाइम से चल रहे हैं। आराम से बैठो, रिलैक्स करो, टेंशन में लग रहा है।